खुद से ये वादा करते हैं चलो आज खुद से प्यार ज्यादा करते हैं चलो इन लम्हों को खुशियों से सीते हैं आज जिंदगी जीते हैं आज

और थोड़ा सा यू नो you know, हालांकि है ये मैसेज बहुत इंटेंस मैसेज है कि लेकिन जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे कि आज जिंदगी जीते हमें एक ख़ुशी का एक माहौल आ, करना था कि इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना दिखाते हुए कि ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है कितनी कमाल की है इसको इसका क्यों ना हम मज़ा लें विदाउट एनी यू नो वाइसिस विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन क्योंकि ज़िंदगी बाइट सेल्फ़ ये जिंदगी जो ये लाइफ है ये बाइट सेल्फ बहुत ही खुशहाल है बहुत ही कमाल की है तो उसको क्यों हम अ अ वेस्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बात यही थी गाने से अच्छा खुशी मनाने का और एंटरटेनिंग हो फुट टैपिंग हो एक यू नो you know, एक हैप्पीनेस क्रिएट करे इंसान में ताकि उसको उसको रियलाइज वो रियलाइज करे कि इस लाइफ इज ब्यूटीफुल लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इस इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही यू नो यूज़लेस है तो इस तरह का तो पहली बार तो हमने जब गाना बनाया था वी एक्चुअली रिमूवड इट वी बहुत इंटेंस हो गया था सॉन्ग okay. फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवानश की हेल्प ली ही वर्क विद अस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशन है सिंगर है तो उसने uh, कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको, इसको इस तरह से करते वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे की हेड इट गिवन टू अस वर्ड्स उसके क्लियर थे लेकिन मैं इस गाने को अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है तो मैं थोड़, <laughs> मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था शिवानश मेरे से आ, मेरी आधे आधी उम्र का है मतलब ही इज हाफ माई एज तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते हैं थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते हैं और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा मुझे आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है एंड सो देन थोड़ा सा देन वी दोनों को मिस मिक्स करके Uh, कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवाज ने कुछ सजेस्ट किया इस तरह से बात बनी वीडियो जब वीडियो पर भी जब बात आई तो यू you नो know, कुछ कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है वी शुड वी शुड मेक इट अ लिटिल मोर डिफरेंटली तो ये जो गाना था वो थोड़ा इट वॉज इजी टू मेक क्योंकि इसका जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही हमें कैजुअल करना था right,

ये नया एक नई सोच है एक 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 नया साउंड है तो क्यों ना इसको भी अपनाया जाए बिकॉज यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये मैसेजिंग जो है वो बहुत जरूरी जो इसका सब्जेक्ट है जो इसका जो मुद्दा है वो लोगों तक पहुँचे ये बहुत जरूरी था और आजकल बिकॉज हिप हॉप लोगों को लोगों तक पहुँच रहा है स्पेशली यूथ तक सो आई सेड या ये नॉट वॉट एवर इट टेक्स टू मेक श्योर दैट द मैसेजिंग रीचेज आउट टू द राइट टारगेट ऑडियंस एंड Who wrote it? Also wrote some amazing lines. Yeah. uh, I remember I reached out to Irfan. He wrote the lyrics. I was like, bro, rap bhi likhna hai. <laughs> oh, actually, there's Shivansh ne hi likha hai. इसका जो rap है वो भी uh, के बोनी ने लिखा है. आदित्य? दोनों ने मिलके लिखा है. Okay. So yeah, it was. Uh, मैं नहीं मान रहा था आखिर तक. बट चिंतन मी कि नहीं सर कुछ रखेंगे तो अच्छा रहेगा है, okay, cool रखते हैं एंड आई थिंक वे इस फिल्म में आता है बहुत कैजुअली और बहुत अच्छी तरह से आता है जिसकी फील भी सर, अच्छी है।, yeah, exactly. no, honestly, teamwork, यार. Honestly, है जो जिसने ये, ये वीडियो बनाया है उसकी भी आ, बहुत अच्छा मतलब उसका हा, हाथ है चंडीगढ़ का है और सब लोग सब लोग का यू नो सहयोग कुछ अच्छी चीज करने में ना टीम वर्क जब जब लोग जुड़ जाते हैं ना तो उस, उनकी एनर्जीज यू नो जुड़ जाती है और वो अच्छा ही हो जाता है यार ये देखिए ये आई I मीन mean, ये सब जो किसी के ऊपर उंगली उठाना किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है ये अच्छा है ये गलत है आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसके इसका जो प्रभाव है इसका जो इफेक्स इसकी जो इफेक्ट्स है इसके कितने यू uh, नो uh, you know, और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसका इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिंदगी को अपनी जो जिंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप यू नो खुशहाल और बनाइए ऑल वी आर सिंह बट ऑफकोर्स बहुत सटनली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है इस तरह से वैशाखी और चिंतन ने सोचा है आ, वो बहुत ही अच्छे से कमाल से बहुत पोइटिकली इस वीडियो में शामिल है I... मैं सिर्फ बस थोड़ा ऐड करूंगी इसमें सम न्यूएंस क्योंकि चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती कि इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करने हैं कैसे हम इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करें तो uh, act... मैं तो बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ कभी देखा था आपने <laughs> <laughs> बहुत ज़माना हो गया मैं मैं खुद एक सिगरेट यूजर था और सेम एंड बट काफी वक्त हो गया मैं छोड़ दिया सिगरेट और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ मतलब ऑल्दो वी क्विट स्मोकिंग यू नो एंड वी आर नॉट बट आई एम जस्ट सेइंग कि आज अगर अगर मैं सिगरेट पी भी रहा हूं तो मुझे यह हक कौन छीन रहा है कि मैं आपको मना करूं कि आप प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच इज अ वेरी ओल्ड इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको तो नुकसान होने से बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचाऊ बिकॉज मैं वो नुकसान खुद को पहुँचा रहा हूँ तो ये कहाँ की लॉजिको डूंग आई एम आज मैं एक चीज पर एडिक्ट हो गया हूँ तो मुझसे आप ये राइट मत छीन लो कि मैं मेरे भाई को मना नहीं कर सकता कि भाई तू मत पी यार मैं तो पी रहा हूं तू मत पी तू अपने आपको नुकसान पहुंचा आई रियली आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस लॉज अरे भाई, तु, तु एडिक्ट हो है, है। दूसरे को रोक सकता है तेरा इमोशन है तेरा, तेरा, तेरा जज्बात जुड़े उससे रोक ले अगर तू रोक सकता है तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं नहीं रोकूंगा बिकॉज मैं खुद कर रहा हूँ so,

ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये मैसेजिंग जो था वो आ, थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुंचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ यू नो तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुँचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता इतना क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसको गवाना है या सिर्फ किसी को आ, किसी के मन में खुशियाँ ले आना है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज म्यूजिक वो आम उम कर देता है नेचुरली कर लेता है बट कभी किसी को कुछ चीज़ सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागरूक करना हो तो वो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है तो यस इट वॉज स्लाइटली मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर फिल्म एंड एड और एनी अदर म्यूजिकल प्रोजेक्ट पर uh, जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है सलीम सर आपसे सवाल करना है? आ, तो से हमारा डिस्कशन हो चुका है मैं आपको खाली एक शॉर्ट में बताया था मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी राइट साइड दिखाना है मतलब दो तरीके होते हैं ना एक तो मैं आपको डरा दूँ कि आप गिर जाओगे और तो एक आपको बोलूँ संभल के चलो तो बात वही है बट अप्रोच अलग है सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते और जब गिर जाओगे कहूँगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पे ध्यान रखो उससे या yeah, कि okay, भाई वो, आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसी वैसे पिक्चर्स दिखाओ वैसे इमेजेस दिखाओ वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे आपको ये हो जाएगा आपको वो हो जाएगा वो so, डराने से बेहतर आई थॉट्स टॉक अबाउट द्राइटर साइड ऑफ लाइफ इज लाइफ इट से आइडिया वॉज इट वॉज डिफिकल्टू कन्विंस एवरीबडी बट देन फाइनली आई एम ग्लैड दैट यू नो इट्स लुकिंग द वे इट इज लुकिंग एंड वो मैसेज शायद आई होप के इट विल बी सेंड अगर सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी, भी लोग शायद सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट उसके इमेजेस आ जाएंगे वीडियो के विच विल समवेयर माइट हिट पीपल यू नो और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जिंदगी द सलीम सर आपसे और एक चीज जानना चाह रहा था मैं कि थोड़ी देर पहले जो सलील जी ने कहा कि वो बचपन में जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे और थोड़ी देर पहले पूछा भी था यूथ उनसे इंस्पायर होता है तो और अक्षय कुमार जी ने ऐड करके फिर उन्होंने विद्रॉ भी किया था इस चीज को लेके तो अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें कुमार जी को एक अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ ना मुझे इस चीज़ में कुछ ज़्यादा नॉलेज uh, है, तो मैं बोल के क्या करूँगा, ना, <laughs> ना मेरी ज़ुबान में कुछ ऐसी है, सो आई हैव नो मच, नॉट मच आइडिया इन्डस, लेफ्ट ओंट प्रमोड नहीं थी, है ना, <laughs> चलो आज मिलके कुछ वादा करते हैं, वादा करते हैं, वाह, wow, wow. कि हम इधर-उधर की बातें ना करें, <laughs> बस yes, बजट तो जब नीयत अच्छी होती है तो बजट हो ही जाता है यार जी कंजम्पशन में तंबाकू के तो वो तो एक ऐसा एज है जहाँ पे इंसान को खुद समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहा है अ क्या-क्या करना चाहिए ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ऐसी चीजें जो जिसे एक बिहेवियर चेंजेस आएगा लॉन्ग टर्म के लिए ताकि बच्चे स्टार्ट से ही थोड़ा सा जैसे